बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो आज की वीडियो है ना भाई, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसको नहीं पता कि जर्मनी में प्रिंट आउट कैसे करवाते हैं, प्रिंट आउट शॉप कौन सी होती है, तो भाई आज की वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि किस शॉप से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो एंड क्या कुछ स्टेप्स रहते हैं, कहाँ पेमेंट होती है प्रिंट आउट के बाद, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो वीडियो भाई लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड जो भी न्यू कमर्स है जर्मनी में उनके लिए तो भाई बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सो भाई चलते हैं एंड वीडियो लास्ट तक देखना। गाइस घर से निकल चुके हैं एंड वेदर है ना बहुत ज्यादा बढ़िया हो रखा है, देखो मतलब बारिश जैसा हो रखा है। होप्स हो बारिश ना आए जब तक हम घर पहुंच जाए, फिर ही आए बारिश, क्योंकि भाई पहले ही माइनस में टेम्परेचर है, ठंड इतनी है, भीग गए तो भाई ऑब्वियस ही बात है बुखार तो होना ही है। कोई नहीं, कभी भी जर्मनी में है ना वेदर का है ना प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते क्या होएगा, बारिश होगी, बर्फ होगी। अब जैसे स्नो दिखा रखे हैं पर भाई स्नो तो ही नहीं, चार दिन हो गए देखते देखते, बट ये कभी सोच के ना बाहर नहीं निकलना चाहिए कि आज तो अगर होएगी। हाँ, अगर ये वेदर देख के निकल गया और बिना जैकेट के वो, तब तो भाई तुम गए गए बिल्कुल। चलो भाई ग्रीन व्यू रखे बात क्या, बस बर्फ बर्फ क्या, बारिश भी नहीं आनी चाहिए भाई, बस एक बार घर पहुंच जाए। ये है सिटी सेंटर वार्डन का। तो भाई कहाँ जा रहे आज हम? हम जा रहे हैं तो डीएम के लिए, डीएम स्टोर पेपर्स, डीएम स्टोर कुछ पेपर्स वगैरह प्रिंट आउट करना है, क्योंकि और भी जगह चले ना तो फिर बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएगा। तो भाई आपको बताना चाहता हूँ कि डीएम सबसे है ना चीपेस्ट होता है, मतलब 35 सेंट्स में अराउंड 5 पेज प्रिंट आउट हो जाते हैं ना, 35 सेंट्स नॉट रुपीज, 35 सेंट्स। तो बस डीएम चलते हैं, बताते हैं हर एक प्रोसेस। भाई मतलब ऑलमोस्ट सारे शोरूम है डीएम वगैरह, H&M एवरीथिंग। भाई पहुंच चुके अपनी डेस्टिनेशन पे, ये है डीएम स्टोर, ऐसा कुछ लुक है एंड इसमें होता है प्रिंट आउट वगैरह, बता देख लो गाइस। कुछ मशीन होती है जिसमें आप फोन वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, और एक वायर का ऑप्शन होता है, दिस इज फॉर द एंड्रॉइड सी टाइप एंड एप्पल, या तो आप ना पेन ड्राइव भी लगा सकते हो या आईडी कार्ड। तो भाई पहले तो इंग्लिश सेलेक्ट कर दो, दोष नहीं आती तो है ना, मोबाइल भाई साइज सेलेक्ट कर लो, साइज A4 है, 20x30 है ना शायद। भाई फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट योर साइज, स्क्रीन स्लो है भाई, मोबाइल डिवाइस ऑप्शन होते हैं ना भाई, फिर ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड एंड एप्पल का, यूज प्रिंट सेलेक्टिंग ऑफ फाइल्स नेक्स्ट करो ब्रो एंड फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रिपेयरिंग वाईफाई एंड प्रिंटर को नहीं पता भाई कैसे करना है तो ये सब कुछ गाइड्स है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड एंड थर्ड। तो कनेक्टिंग योर फोन विद द वाईफाई, ये कुछ डिस्प्ले आ जाता है, देन सेलेक्ट योर फाइल्स वन अगेन एंड देन शेयर, प्रिंट रेंज सिलेक्ट कर लेता है, पहले मुझे दो ही पेज चाहिए, सेलेक्ट योर पेजेस, इट्स केम जीमेल, ये रहा भाई फाइल डॉक्यूमेंट हो गया, कंटिन्यू, देन भाई आपको दोबारा एक ऑप्शन देगा कि सिलेक्ट की यही है, नेक्स्ट प्रीव्यू भी कर सकते हो भाई अपने डॉक्यूमेंट चेक कर कि दोनों है या नहीं है, दोनों ही है, दोनों ही है। सो पेज सेलेक्ट वन साइड ब्लैक एंड व्हाइट एंड ऑप्शन ऑल वगैरह पेजेस, तो यहाँ पे 20 सेंट आएगा,
ये सब खुद भाई प्राइसिंग आ जाती है, दो पेज का कितना कॉस्ट करता है, इट्स 20 सेंट्स। देन क्लिक ऑन प्रिंट एंड डन। तो भाई थोड़ा सा टाइम लेता है इस चीज का प्लेस ऑर्डर। एक चिरकुट आएगा ना अभी? हाँ, एक वो स्लिप आती है, देन स्कैन इट। बहुत स्लो है। What? फोन लॉक करा था आपने? हाँ। अरे अभी आ जाएगा ना। अगेन डन भाई, तेरी रिसिप्ट आएगी ऐसे, दिखाना भाई रिसिप्ट। फिर ये रिसिप्ट आ जाएगी, बार कोड आई। फिर भाई ये बार कोड स्कैनिंग मशीन होता है, द स्कैन इट। फिर भाई ऑर्डर प्लेस हो जाता है एंड फिर यहाँ से प्रिंट आउट आ जाएगा। हो गया भाई, वो हो गया। बस हमें क्या करना होता है, वी हैव टू जस्ट स्कैन दिस बार कोड विद दिस लेजर लाइन। एंड भाई देखो आवाज आ रही होगी, प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। तो भाई कैसा लगा डीएम स्टोर? डीएम स्टोर तो मस्त है, क्योंकि पैसे बच जाता है यहाँ पे, और दूसरे जगह जाए ना तो फिर दो और ढाई और लग जाएगा ये प्रिंट होने में। इट्स चीपेस्ट। एंड देखो भाई ये आ गया पेज, मैं जाए नहीं दिखाऊंगा भाई, पर्सनल डिटेल्स है भाई की। अच्छा। तो बैंक की डिटेल्स है, इसीलिए बैंक की डिटेल्स है भाई। ये तो दिखा सकते हैं, अच्छा इसमें आई है ना? नहीं नहीं भाई, नहीं कुछ नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। फॉर्मेलिटीज होने के बाद टेक योर प्रिंट आउट एंड दिस स्लिप, मतलब कैश काउंटर की तरफ। फिर वो ये स्लिप रख लेंगे एंड पेमेंट करनी है आपको बाय कैश या कार्ड जो भी अवेलेबल है, एंड आपका प्रिंट आउट कंप्लीट हो चुका है हमारा। एंड प्रिंट आउट वगैरह लिया, पेमेंट हो चुकी है, अब चलते हैं एंड देखते हैं कुछ और भी करते हैं। कैसा था एक्सपीरियंस डीएम का? क्या हुआ, कीज फंस गई? भाई मैं इतने बता देता हूँ, डीएम मतलब सबसे चीप एंड हर जगह मिल जाए, हर छोटे टाउन या बड़े शहर में जैसे सब जगह मिल जाता है। बट भाई जो हमारा एक्सपीरियंस है डीएम के साथ सबसे बेस्ट है, इट्स रियली अफोर्डेबल एंड सबसे बढ़िया ये कन्वीनियंट है। आपको अगर नॉइज भी नहीं आता ना तो तब भी आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके ये कम खर्च चला लेते। हाँ, स्क्रीन में दोनों ऑप्शन मिलता है, इंग्लिश एंड डॉयच दोनों। तो भाई जिसको जर्मन नहीं आती वो इंग्लिश चूज करके कर सकते हैं भाई, बड़ा इजी स्टेप्स है। बेशक आपको फिर फोन से ट्रांसफर करने हैं डॉक्यूमेंट्स या पेन ड्राइव से या यूजिंग योर केबल, ये नर्वस नहीं होने का बस। हाँ, बस नर्वस नहीं होने का, हर एक स्टेप्स हर एक गाइड भाई लिखी होती है उसमें कि ये स्टेप करो, नेक्स्ट ये है, फिर वो है। सो दिस बी रिलैक्स। अगर पीछे आकर कोई खड़ा है तो खड़े रहने दो उसको, कोई तुम तुम्हारा काम करो बस, इसके बाद करो। जर्मनी में है ना लोग भी थोड़े हेल्पफुल है, तो इफ यू डोंट नो अबाउट ऑल द थिंग्स दे विल जस्ट गाइड यू एंड हेल्प यू विद इट। बट डीएम इज बेस्ट भाई, अफोर्डेबल है मेरे हिसाब से, तो भाई यही शॉप बेस्ट है। तो यू कैन ट्राई डीएम फॉर प्रिंट आउट्स। भाई ये एरिया है ना, मतलब नजारे तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट भाई यार जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पर। बट प्लेस तो भाई बहुत सुंदर है, देखो यार सामने पहाड़ है भाई, पहाड़ों के ऊपर है ना जगह, पीछे देखो। Guys, finally we are in the room. Before ending this video, एक information और share करना चाहता हूँ। जैसे भाई मैंने बताया कि खाली DM ही printing shop होते हैं, नहीं होती। जैसे जो local traders होते हैं, जो local shop वाले होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है भाई, it depends upon the area and the town you are living in। तो हमारे यहाँ जैसे छोटी मोटी दुकान है जैसे Excel Printing Service and many, but एक recognized brand जो आपको हर जगह ऑल ओवर जर्मनी मिलेगा, इट्स डीएम एंड इट्स द चीपेस्ट। एंड भाई देखो सबका अपना अपना होता है कि खा उन्हें कंफर्टेबल लगे खानी। आई एम नॉट जजिंग या आई एम नॉट कंपेयरिंग समवन विद समवन एल्स, इट्स जस्ट दैट जो मुझे चीपर लगा, जो मुझे बेस्ट लगा भाई, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज भाई लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।